जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद रखता हूँ साहब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की पेशी खिदमत मुखातिब बंदा नाचीज नादर हुसैन नादर बलोचकोट फार्म डेरा गादी खान से। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वक्त मैं मवेशी मुंद्रा बकरा मंडी डेरा गादी खान में मौजूद हूँ। ये मंडी किस जगह पे कहाँ पे वाक़ है, आज दिन कौन सा है, मंडी का टाइम टेबल क्या है, लोकेशन भी आप तक शेयर करेंगे। आज मैं आप दोस्तों को पाकिस्तान की सस्ती तरीन मंडी का व्यू कराने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक एक व्यापारी से मिलवाऊँगा, एक एक व्यापारी के जानवर चेक कराएंगे। और जो मेरे दोस्त दूसरे शहरों से हुए हैं, लाहौर से, गुजरांवाला, सियालकोट से, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। आप वीडियो के साथ जुड़िएगा इंशाल्लाह, लाइक शेयर दबा के करें। आज जानवर सिर्फ या शाहजी कुछ लेके आए अल्हम्दुलिल्लाह शाह से, और बाकी इसके अलावा तकरीबन 100% जो जानवर हैं वो मेरे फार्म से सेल होने के लिए आए हुए हैं, ख़ासतौर मुंद्रे के लिहाज से। बाकी मैं आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह बकरे भी चेक करवाऊँगा, और बकरियाँ और मुंद्री शीप्स के अल्हम्दुलिल्लाह जो ओनर जो मालिक हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल मालिक हैं, मैं आपको उन्हीं से मिलवाऊँगा। तो आप उन्हीं की ज़बानी भी आप दोस्तों ने खुद सुननी है। आजकल रेट ऐसे नॉर्मल जा रहे हैं कि आपकी सोच से भी तकरीबन कम प्राइस पे ये व्यापारी हजरात जो है जानवर सेल करने पर मजबूर हैं। पहली बात ये है कि एक तो रमज़ान शरीफ है, और दूसरी अहम बात ये है कि आगे फसल की कटाई है। ये डेरा गादी खान तकरीबन 80% जो है लोग हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो किसान हजरात हैं जो काश्तकार हैं, और इन्होंने क्या करनी है कि ये जानवर सालों साल पालते हैं, पाल के फिर इस मंथ में जो है ये लोग सेल करते हैं। क्यों, जो इन्होंने भूसा लेना होता है, इन्होंने गंदम लेनी होती है, स्टॉक करना होता है, जिसकी वजह से आजकल जो ख़रीदार है जो अल्हम्दुलिल्लाह जानवर लेगा तो उसको तकरीबन 10-12-20 हज़ार रुपया जानवर जो है वो सस्ता मिलेगा। आज कल लेने वाले की अल्हम्दुलिल्लाह जो ख़रीदार है उनकी मौजें लगी हुई है, बेचने वाले बहुत मजबूर हैं, ये तरलू से बेच रहे हैं। मेरे दोस्तों, जो जानवर मसलन आपको रमज़ान के बाद या फसल कटाई के बाद आपको मिलेगा 50 हज़ार का, तो वो इस वक्त आपको 35,000, 34,000, 33,000 में आराम से यहाँ से जो है आप दोस्त ख़रीदारी कर सकते हैं। मैं आपको नीचे अल्हम्दुलिल्लाह जाके ना एक एक व्यापारी से मिलवाऊँगा जो मेरे फार्म से जानवर सेल होने के लिए आए हुए हैं, उनकी कीमतें मैं आप तक बाज़ाब्ता खुद शेयर करूँगा। छोटे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह मुंद्रे और बकरे सब आपको इंशाल्लाह चेक कराएंगे। आज आप कीमतें सुनते ही दांग रह जाएंगे कि लोग कितना मजबूर हैं। आजकल रेट वो देंगे कि आप दोस्तों के दिल जो है वो खुश हो जाएंगे। तो आप वीडियो के साथ जुड़िएगा, दबा के लाइक शेयर करें। मैं आपको इंशाल्लाह एक एक व्यापारी से मिलवाता हूँ, और एक एक व्यापारी के जानवर भी आपको चेक करा देते हैं इंशाल्लाह। आप थोड़ा सा इस मंडी के मनादर देखिएगा मेरे दोस्तों, डेरा गादी खान दानिश स्कूल के करीब ये मंडी वाक़ है। हर बुध और हर हफ्ते वाले दिन यहाँ पे मेरा सजदा अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है जानवर दूर दराज से लेके यहाँ पे जमा करते हैं फिर सेल करने के लिए, और ख़रीदार भी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से, गुजरांवाला से, सियालकोट से, और इस एरिया से काफ़ी दोस्त साहब आते हैं। मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक एक व्यापारी से मिलवाऊँगा जो ओरिजिनल, जो पुराने ताल्लुकदार व्यापारी हैं, जो एतमाद वाले व्यापारी हैं, तो उनके नंबर भी मैं आप तक शेयर करूंगा इंशाल्लाह। रमज़ान शरीफ है, मैं आप दोस्तों का ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो इंशाल्लाह मुख्तसर वीडियो होगी, इंशाल्लाह काफ़ी कुछ आपको सीखने में मिलेगा इसी वीडियो में। यहाँ से सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मेरे फार्म से अल्हम्दुलिल्लाह जानवर सेल होने के लिए ब्रीडर टाइप मुंद्रे आए हुए हैं। ये एक लाट नहीं है, दो लाटें नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो चेक करा देता हूँ। तो सब जानवर देखिएगा, दूसरे बंदू के मैं आपको जानवर दिखा देता हूँ, और उनकी कीमतें भी सुनिए, आप हमारे जानवर भी देखें और हमारी कीमतें भी सुने मेरे दोस्तों। आजकल मैंने आपको कहा सब व्यापारी जो अल्हम्दुलिल्लाह वो मजबूर इस वजह से हैं कि उन्हें गंदम भूसे वगैरह लेने हैं, और भतीजा मेरा आपको अल्हम्दुलिल्लाह इनकी प्राइस शेयर करेगा, और जो फैमिली प्राइस है वो आप तक मैं खुद शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ सेल हुए हैं, कितने सेल हुए हैं जी, क्या वजह है? रमजान है, क्या प्राइस रखी है आज? इन्हें पंजा हज़ार चल चल गया जी। आपने चाचू लोग वीडियो देख रहे हैं, ये कहाँ से हैं जानवर? जी आपने चाचू लोग वीडियो देख रहे हैं ना, तो मुनासिब बताएं कि कितने के होंगे फाइनल? 38,000
और इस तरह के पहले कितने में सेल करते रहे हैं हम? पहले सेल करते थे जी, आजकल 15-20 हज़ार जानवर जो है वो मुनासिब प्राइस पे आपको मिलेगा। तो अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आजकल ख़रीदने वाला जो है उसको बड़ा फ़ायदा है। दूसरा ये भी रेवड़ है, ये भी एक से अलहमदिल्ला 38 के हिसाब से सब आप जानवर चेक करें। मामा इन्हें चेहरा दिखाला एड्रेस, इन्हें सब चेहरा दिखा चाचू लोगों को, ये देखिए माशाल्लाह। और ये देखिए बाकी शाह साहब के जानवर भी हैं, या आज अलहमदिल्ला अल्लाह का फजल से या मेरे फार्म से सेल होने के लिए जानवर आए हुए हैं या शाह साहब लेके आए हैं। शाह साहब के जानवर भी मैं आपको चेक करा देता हूँ, ठीक है मामू। और ये मेरे भतीजे और भांजे लोग अलहमदिल्ला। और बाकी ये शाह साहब के जानवर है, मैं आपको शाह साहब के जानवर भी दिखा देता हूँ, जो मेरे दूसरे लाड खड़े हुए हैं मैं आपको वो भी चेक करा देता हूँ। आज मंडी पे लोग जो है बहुत ही व्यापारी हजरात जो है वो ख़रीदने वाले तो आए ही नहीं हैं, और जो सेल करने वाले हैं वो भी फसल में मसरूफ़ हैं, वो भी काम जानवर यानी कि चांद कोई लोग जो हैं वो लेके आए हैं। मैंने आपको क्या कहा है कि या शाह साहब के जानवर है, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे फार्म से सेल होने के लिए जानवर आए हुए हैं वो जानवर है। शाह साहब इसको उठाएँ और शाह साहब से प्राइस पूछते हैं क्या डिमांड है और टोटली ना कितने कितने लेके आए, कितने सेल हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब आपको अपनी ज़बान में ऐसे देंगे। शाह साहब क्या मांग रहे हैं, इनकी क्या प्राइस है? 18 हज़ार सारे 20 दाने। क्या वजह रेट क्यों नॉर्मल, क्या वजह शाह साहब? क्या रमजान शरीफ है और फसल की कटाई हो रही ना, इस वजह क्या प्राइस है? कितने दाने हैं टोटली? 20 क्या प्राइस है? 18 हज़ार भैया। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए जानवर आपके सामने, पहले कभी मिले आपको इस तरह 18 हज़ार? ये पीर से खड़े हुए शाह साहब माशाल्लाह, जानवर चेक करें, 6 माह 7 माह 8 माह 9 माह 10 माह, एक दो भी लेना चाहें तो वो भी मिल जाएंगे। आपको आना पड़ेगा मंडी पे विजिट करें। और यानी कि जो शाह साहब के जानवर हैं ना ये 20 हैं, 20 एक साथ लेंगे तो यही प्राइस होगी। अगर इसमें से आपको एक या दो आप कहोगे ना भाई लोग तो वो आपको डिफरेंस प्राइस पे मिलेंगे मेरे दोस्तों। लाट का रेट जो है वो नॉर्मल होता है। वैसे भी क्या क्या मांग रहे हैं आप, क्या हैं ये भी शाह साहब, इनकी क्या कीमत है? ये भी शाह साहब आप क्या हैं? हाँ इनकी क्या प्राइस है? 5 पीस है। ये भी शाह साहब की है माशा जी जी, क्या प्राइस है इनकी? 35-35 हज़ार रुपया, वो 18 ये 35 माशाल्लाह। ये फाइनल कितने के बनेंगे शाह साहब जी? 32 हज़ार। पहले इस तरह के कितने में सेल करते रहो? 40-42-45 हज़ार तक सेल होते रहे हैं। आज नॉर्मल बाजार हैं, ख़रीदार को आज फ़ायदा है, आज मौका है, एंजॉय करें, आज कल विज़िट करें मेरे दोस्त। रमज़ान शरीफ तो है, मुझे भी पता है कि रोज़े भी हैं, और वजह ये थोड़ा टाइम निकालें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अब ये सब क्या डिमांड जोड़ेगी? 1,30,000। फाइनल क्या होगा? 1,10,000 रुपये। धातु में दो दांतें, धातु में दो दांतें, और 1,00,000 कितने फाइनल? 1,10,000 रुपया माशाल्लाह, छोड़ दे बस 1,10,000। और ये हाफिज साहब का जोड़ा माशाल्लाह चेक करें भाई, क्या डिमांड है इस ब्रीडर की? 1,10,000। फाइनल कितने का होगा जी? एक बात करें, एक बात खाए भी बलोचे बलोचे 90,000। दांतों में दो दांत है, दांतों में दो है, दांतों में दो दांत, 90,000 रुपया माशाल्लाह। और ये देखिएगा, ये मैंने आपको अपने वाले भी दिखाए हुए हैं, और बाकी ये दूसरे लोग हैं, तो बाकी मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह आगे आप दोस्त देखिएगा माशाल्लाह, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की पहचान, ओरिजिनल गुलाब भी माशाल्लाह बकरे बकरे। अब आप देखिएगा माशाल्लाह कुर्बानी 2024 के तोहफे माशाल्लाह ब्यूटीफुल बकरे। मैं माले से पूछता हूँ क्या डिमांड कर रहे हैं मेरे बलोच भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इन्हीं की ज़बानी खोज सुने। अस्सलाम वालेकुम। हाँ नाम छे? हाँ नहीं चिकन रोटी पाँच या डोगे या डोगे या डोगे जी? 36,000। अब लेने वाला है कोई नहीं, आप प्राइस है वो ही कर रहे हैं माशाल्लाह। सारे खीरे हैं या दो दांत भी है कोई? सारे खीरे 10-11 माह वाले बकरे माशाल्लाह चेक करें, ये 2024 कुर्बानी वाले बकरे हैं माशाल्लाह। आगे मैं आपको टाइगर भी दिखा देता हूँ। ये आजकल बाजार कैसी है, क्या जी कितने सेल किया, कुछ सेल हुए नहीं हुए जी? क्या ये नॉर्मल क्यों है बाजार, क्या वजह है? जी धर्म माल नहीं बिक रहा यार, क्या करें? अच्छा ये बेच के आपने क्या करना है? गंदा खरीद रहा है यार।
अच्छा इंशाल्लाह दोस्त वीडियो देख रहे हैं, इंशाल्लाह विजिट करेंगे, आज नहीं बिके तो इंशाल्लाह आज हफ्ते का दिन है ना, तो कल इंशाल्लाह दोस्त से विजिट करेंगे, तो कल आप वहाँ पे नाड़ी फार्म ले जाओगे, नाड़ी फार्म आज हफ्ते का दिन डेरा गाधी खान है और कल नाड़ी फार्म मेला सजेगा इंशाल्लाह। अगर आप दोस्त आना चाहते हैं तो अभी घर से रवानगी करें और कल नाड़ी मंडी का विजिट करें मेरे दोस्तों, मुंद्रे का मरकज़ है, वहाँ पे बकरे भी होते हैं, मुंद्रे भी होते हैं, और हमारे फार्म पे आना चाहते हैं तो हम आपको इंशाल्लाह डिस्काउंट देंगे मेरे दोस्तों। ये किसके है, क्या मांग रहे हैं बेटा? 65,000 भैया माशाल्लाह। दो दांत हैं? कुछ सेल हुए नहीं हुए? सेल हो गए, 4 बकरे का। अच्छा माशाल्लाह। फाइनल कितने के बनेंगे ये? फाइनल फाइनल जी 75,000 मांगते हैं माशाल्लाह। चारों दिखाएं और ये देखिएगा, ये चार तीन बकरे ये हैं, एक इन्होंने लोड किया हुआ है, ये बैठा हुआ है, अभी जा रहे हैं वापसी, वापसी जा रहे हैं, गर्मी की शिद्दत है ना, रमज़ान शरीफ है, रोज़े भी रखे हुए हैं। देखिएगा हम आप दोस्तों के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपको व्यू कराते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, रमज़ान शरीफ हो, मेरे दोस्तों आपको आपका हक बनता है कि आप हमारे हौसला अफजाई किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, हर रोज़ नई अपडेट आप तक शेयर कर दें, और अल्हम्दुलिल्लाह नई मंडी का विज़िट कराते हैं और नई प्रेसें आप तक अल्हम्दुलिल्लाह शेयर करते हैं। हाँ बाबा क्या मांग रहे हैं इनका बेटा? 85। फाइनल फाइनल एक बात करें, एक बात, 65,000 रुपया। दो दांत है सारे? सारे दो दांत। कितने बकरे हैं? 13 बकरे, दो दांत में माशाल्लाह। खसी है? एक दो खसी भाग गया। फाइनल कितने के होंगे? एक बात, मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं, हाँ एक बात, 60,000 रुपये के हिसाब से माशाल्लाह बकरे देखो, तंदुरुस्त और तवानाई माशाल्लाह, बेहतरीन वीआईपी बकरे, साफ सुथरे जानवर हैं, और ये आपके सामने माशाल्लाह, और एक ये लाट भी खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोस्तों ने परचेजिंग की है, मैं आपको जाके चेक करा देता हूँ, दोस्त कहाँ से हैं, किस शहर से हैं और इन्होंने कितने पीस लिए हैं, ये भाई लोग आपको अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़बानी में ऐसे देंगे। तो आप वीडियो को लाइक दबा के करें, डेरा गाधी खान दाने स्कूल के गरीब, यहाँ पे हर बुध और हर हफ्ते वाले दिन मेला सजता है, लोग दूर दराज से जानवर सेल करने के लिए लेके आते हैं और बेचने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह दूर दराज से आते हैं। हेलो मामा, ये मेरे बलोच भाई है, पता सौदा नहीं वो है या सौदा हो गया है? हाँ हो गया जी। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम क्या है भाई? आसिफ अली भाई। आसिफ अली, आपने ये परचेजिंग की है, खरीदे हैं आपने? हाँ जी जी माशाल्लाह। कहाँ से हैं? उकाड़ा से। उकाड़ा से माशाल्लाह। ये जाके सेल करोगे या कुर्बान तक तैयार? सेल भी करेंगे, हम रखेंगे भी माशाल्लाह। कितने बकरे लिए? 9 बकरे। कैसे पाए इस मंडी पे? हाँ जी, इस मंडी पे कैसे पाया है और व्यापारियों के रवैया कैसे है यहाँ पे? अच्छे, किसी किस्म की दिक्कत परेशानी? अच्छे व्यापारी, बहुत अच्छे। ये डेरा गाधी खान के व्यापारी सही है? कोई आपके साथ जुलाल, कोई जबरदस्ती? अल्लाह आपको जजा दे हजूर, और अल्लाह पाक आपके नसीब में करे, अल्लाह पाक आपको मजीद शौकत आगे। आपने नाम क्या बताया? आसिफ अली। आसिफ अली माशाल्लाह। और ये भाई आसिफ अली ने जानवर जो है खरीदे हैं, अल्लाह पाक इनके नसीब में करे, अल्लाह पाक इन्हें मजीद शौकत आ करे और अल्लाह पाक इन्हें इनका सफ़र कामयाब करे। आप देखिएगा ना, ये अब लग गाल मोरे मुंदरे, जब मेरे फार्म से सेल होने के लिए आते हैं तो तब मंडी पे होते हैं, वरना नहीं होते। जब ये सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपको डेरा गाधी खान मंडी पे मिलेंगे या नादर बलोचगढ़ फार्म पे मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा आपको इधर उधर की मंडियाँ घूमोगे तो आपको एक का दुक्का मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। और ये देखिए माशाल्लाह, मेरे बच्चे लोग जो लेके आए अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप तक प्राइस शेयर करेंगे, बाकी जो फैमिली इनकी डिमांड है वो मैं आप तक खुद शेयर करूँगा। आगे मैंने आपको मुंदरी शरीफ दिखानी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहिएगा। अब आप देखिए जानवर पहले चेक कर रहे, प्राइस भी शेयर कर देते हैं इंशाल्लाह। ये मेरे कज़न लोग आपके सामने बिके नहीं है, चांद को जानवर बिके हैं, वो भी ऐसी दिए नॉर्मल प्राइस पे। और बाकी अल्लाह पाक सब मुसलमानों को रोटी रोज़ी रेस के हलाल में से बरकत अता करे। और बाकी मैं आपको ले जा रहा हूँ, नंबरदार है, क्यों परेशान है विरोध रखी पवे? क्या प्राइस रखी सीधा दी भाई, कांट नहीं मुँह कर, क्या कीमत रखी भाई जी? 40,000 छोटे दार, 16,000 ओ जोड़ी, 40,000 20,000 माशाल्लाह। ये छोटे नंबरदार से माशाल्लाह, धूप भी बहुत है बेचारे भाई। यानी बलोच
भाई अनीब का भाई तो बैठा हुआ, अनीब बलोच चला गया पता है कहाँ पे, आज नज़र नहीं आ रहा। बच्चों वाले माशाल्लाह भेड़ है ये, और ये भी दे चेक करें, आज भेड़े तो तीन चार खड़ी हुई है। लतीफ है क्या है, कटाई कर रहे हैं? कटाई कर रहे हैं डॉक्टर भाई। हाँ हाँ, इस तरह पशम आजकल मौसम है, आजकल पशम साफ करें, गर्मी आ रही है ना, पशम में मुंदरी चिप्स मुंदरा हो, जिसकी बड़ी बड़ी पशम हो ना, तो इस मौसम में ये सीज़न है पशम साफ करवाने का, तो पशम देखिएगा ये साफ हो रही है। लतीफ़ क्या डिमांड है इसकी? जी माशाल्लाह साहब, चेक करवाएं। हाँ वो भी आपकी है? अच्छा ये दो बच्चों वाली, ये एक बच्चे वाली, और इनके नीचे क्या है? एक एक बच्चा है। क्या डिमांड है इनकी और कहाँ पे है? और भाई अच्छा ये चार कितने की है? तीस तीस हजार माशाल्लाह। ये जोड़े वाली है एक बेड, और एक एक बच्चे वाली है, ये भी एक एक बच्चे वाली है माशाल्लाह। ये हमारे कज़न लोग हैं ना, ये भाई अनीब का भाई है और ये मेरा कज़न है अल्हम्दुलिल्लाह। इनने क्या कहा आपको, आपने सुना है, आप कमीशन गुरू से गुरेज करें, शोशे छोड़ने वालों से गुरेज करें, ओरिजिनल मालकों से रब्ता करोगे आप अच्छा पाओगे। मेरे दोस्त से वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं उम्मीद रखता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखते रहें, मेरे साथ जुड़ करिएगा। इंशाल्लाह ना पहले मायूस क्या ना आप करेंगे। फिलफोर में आप दोस्त चाचा तो मिलता हूँ जल्द अगली वीडियो में। इस वक्त दीजिए ज़्यादा, हमारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। ओके अल्लाह हाफिज़।